Good morning students, class 10th. We are here, your supplementary book, Footprints Without Feet. We are going to start our lesson 6, The Making of a Scientist. Okay, we start this lesson now. How did a book become a turning point in Richard? रिचर्ड एब्राइट के जीवन में कैसे एक पुस्तक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, इसको हम इस लेसन में देखेंगे. हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, और किस तरह से उनकी मदर ने उनकी सहायता की. यस, एट द एज ऑफ 22, 22 वर्ष की अवस्था में ए फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, इनके वर्ष का सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक, स्काउट को स्वयंसेवक कहते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करता है, एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद ए न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क. इस बालक ने विज्ञान से जुड़े हुए सभी वैज्ञानिकों को चकित कर दिया था अपने इस सिद्धांत से कि सेल कैसे कार्य करते हैं. रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. रिचर्ड एच एब्राइट और उनके एक कॉलेज के साथी थे, उन्होंने इस सिद्धांत को समझाया एक आर्टिकल में, और वह आर्टिकल एक किताब में छपा उस समय की, और ये सबसे कम उम्र के बालक थे जिनका ये आर्टिकल उस किताब में छपा, राष्ट्रीय एकेडमी की कार्यवाहियां, ये उस किताब का नाम था, राष्ट्रीय एकेडमी की कार्यवाहियां जो विज्ञान के संदर्भ में थी, उस पुस्तक में ये पहली बार छपा. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट इन स्पोर्ट्स दैट वुड. Be like making the big leagues at the age of 15 and hunting a home run your first time at bat. यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा पहली बार हुआ था कि एक वैज्ञानिक को अवसर मिला इस तरह की बात कहने का. एक महत्वपूर्ण पत्रिका में वे अपनी बात लिख सके. खेल की दुनिया में यह ऐसा ही था जैसे किसी खिलाड़ी का चयन उसकी 15 वर्ष की आयु में हो जाए. यह ठीक ऐसे ही था जिस तरह से एक 15 साल के बालक का चयन किसी गेम में हो जाए और वह उस गेम में शामिल होने के बाद बैटिंग करे और बैटिंग करने में उसे एडवांस रन की प्राप्ति हो. फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट इन साइंस एंड अदर फील्ड्स. रिचर्ड एब्राइट एक ऐसे बालक के रूप में थे जिन्होंने होम रन प्राप्त किए थे, और उसकी विज्ञान तथा दूसरे क्षेत्र में प्राप्त की गई उपलब्धियां की यह एक कड़ी थी. एंड इट ऑल स्टार्टेड विथ बटरफ्लाइज, जो तितलियों से प्रारंभ हुई थी. एन ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, एकमात्र बच्चा होने के कारण एब्राइट पेंसिल्वेनिया के उत्तर में पैदा हुआ था. एक पेंसिल्वेनिया नाम का स्थान है, उसके ठीक उत्तर में रीडिंग नामक स्थान है, वहां पर इसका जन्म हुआ था. देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर, मेरे पास वहां पर कुछ और ज्यादा नहीं था करने के लिए. जैसा कि एब्राइट ने बताया, आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल, निश्चित रूप से न तो मैं फुटबॉल खेल सकता था, ना ही बेसबॉल खेल सकता था, ना ही वहां कोई टीम थी. बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, लेकिन केवल एक चीज थी जो मैं कर सकता था, वो थी कलेक्ट थिंग्स, चीजों को इकट्ठा करने की बात. सो ही डिड एंड डिड ही एवर बिगनिंग इन किंडरगार्टन, छोटी कक्षा, किंडरगार्टन जब वो LKG UKG कक्षाओं में हुआ करता था उस समय की बात है. एब्राइट कलेक्टिंग बटरफ्लाइज विद द सेम डिटरमाइनेशन दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज
activities, he also collected rocks, fossils and coins. He became an eager astronomer too, sometimes stargazing all night. यहाँ पर बताया गया है कि जिस तरह से छोटे बच्चे उत्सुक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं चीज़ों को इकट्ठी करने के लिए, वैसा ही जिज्ञासु मन यहाँ पर एब्राइट का भी था और वह उसी तरह से कार्य करता था. शुरुआत में किंडरगार्टन वाली अवस्था में ब्राइट ने तितलियों को इकट्ठा किया विद द सेम डिटरमिनेशन, उसी दृढ़ निश्चय के साथ, दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज. जैसे कि वह और चीजों को ध्यानपूर्वक देखा करता था, उसी तरह तितलियों को भी देखा करता था. ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स फॉसिल्स, उसने चट्टाने, जीवाश्म और सिक्के भी इकट्ठे किए. ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनोमर टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, वे पूरी रात तारों को ध्यानपूर्वक देखा करता था. इस तरह से एक उत्सुक खगोल शास्त्री के रूप में भी उसको देखा जा सकता है. फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलोंग विद ए ब्राइट माइंड, प्रथम कक्षा से ही उसके अंदर एक कुशाग्र दिमाग और एक उत्सुकता भी थी, यानी कि जिज्ञासु मन था, चीजों को जानने की इच्छा उसके मन में प्रबल थी. ही आल्सो हैड ए मदर हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, उसकी जो माँ थी वो भी उसे प्रोत्साहित करती थी उसकी इस रुचि को आगे बढ़ाने में. शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वह उसे यात्राओं पर ले जाती. बॉट हिम टेलीस्कोप, उसने उसको टेलीस्कोप खरीद कर दिया, माइक्रोस्कोप्स दिया, कैमराज दिए, माउंटेनिंग मटेरियल्स, पर्वतों पर चढ़ने से संबंधित जो मटेरियल होता है उसको खरीद कर दिया, एंड अदर इक्विपमेंट, एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज, जो कुछ भी सहायक चीज़ें थी उसने उन सब चीज़ों को खरीद कर अपने बेटे को दिया और उसने उनके माध्यम से अपने से रिसर्च को जारी रखा. आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, उसकी माँ कहती है कि मैं एकमात्र उसकी सहायक थी जब उसका स्कूल प्रारंभ हुआ. हिज मदर सेड, ये बात उसकी माँ कहती है, आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, उसके बाद मैं उसको उसके दोस्तों के यहाँ भी घर दोस्तों के घर पर भी लेकर गई. बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टूगेदर, लेकिन रात को हम वो सब चीज़ें एक साथ किया करते थे. रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइट, उसकी माँ बताती है कि रिची यानी कि उसका बेटा ही उसके लिए सब कुछ था उसकी पिता की मृत्यु के बाद. वेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड, जब रिची थर्ड ग्रेड में आया. सी हैड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम, वह अपने बेटे के साथ ही शाम को अपने घर पर खाने की मेज पर समय व्यतीत करती थी. इफ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू, यदि उसके पास कोई काम करने के लिए नहीं होता था तो आई फाउंड वर्क फॉर हिम, मैं उसके लिए काम ढूंढ लेती थी. नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स, शारीरिक कार्य नहीं बल्कि ऐसा कार्य जिससे कि उसका ज्ञानवर्धन हो सके. हिज मदर सेड, उसकी माँ कहती है, ही लाइक इट, वह इन चीजों को पसंद करता था. ही वॉन्टेड टू लर्न, और वह उनको सीखना भी चाहता था. एंड लर्न ही डिड ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और इस कारण से उसने अपने स्कूल में भी टॉप ग्रेड प्राप्त किया. ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, और प्रत्येक वस्तु हर दिन वो प्राप्त करता था लाइक एवरी अदर किड, जैसे कि और बच्चे प्राप्त करते हैं. यानी कि उसके लिए जिज्ञासा का एक ही विषय था, वो था ज्ञान, ऐसा उसकी माता ने बताया. बाय दिस टाइम ही वाज इन सेकंड ग्रेड, जिस समय वो सेकंड ग्रेड में था तो अल्बर्ट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पाइसेस ऑफ बटरफ्लाइज, उसने जितनी भी 25 प्रकार की प्रजातियां थी तितलियों की उनको सबको इकट्ठा कर लिया था. फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, जो उसे उसके कस्बे में उसे प्राप्त हुई थी. आगे आइंस्टीन कहते हैं, द प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, संभवतः तितलियों को इकट्ठा करने के
का यह अंत आ चुका था जैसा मैंने महसूस किया। बट देन माई मदर गोट मी ए चिल्ड्रन बॉक्स कॉल्ड द ट्रेवलर मोनार्क एक्स। तभी मेरी माँ ने मुझे एक पुस्तक जो बच्चों के लिए होती है वह उपलब्ध कराई, जिसका नाम था द ट्रेवलर्स ऑफ मोनार्क टेंथ, यानी कि मोनार्क दशम की यात्रा। द बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, जिस किताब में बताया गया था कि राजा तितली, यानी कि तितलियों में भी जो प्रजाति होती है तितलियों की, उसमें राजा तितली होती है, वह किस तरह से सेंट्रल अमेरिका पहुंच गई, उस किताब में इस बताया गया था। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर, इस बात ने विज्ञान की इस उत्सुकता को और अधिक बढ़ा दिया था उस बालक के मन में, कि किस तरह से तितलियां अमेरिका पहुंच गई, यह जिज्ञासा उस बालक के मन में तीव्रता से घर कर गई। एट द एंड ऑफ द बुक, किताब के अंत में, रीडर्स वर इनवाइटेड, पाठकों को आमंत्रित किया गया था टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई, कि वे बटरफ्लाई का अध्ययन करने में उनकी सहायता करें। माइग्रेशंस, जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती हैं। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज, उनको कहा गया कि जिन तितलियों को टैग लगाए गए हैं फॉर रिसर्च, खोज के लिए, बाय डॉक्टर फेडरिक के द्वारा, ए अनहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। वे कनाडा में जो टोरंटो नाम की यूनिवर्सिटी थी उसमें कार्यरत थे और उन्होंने इस कार्य को प्रारंभ किया था एक शोध के रूप में। आगे वे कहते हैं कि डॉक्टर अर्कहार्ट एंड सून एल्ब्राइट वाज अटैचिंग लाइट एडेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स। तो अर्कहार्ट ने कुछ तितलियों को गोंद लगाकर धागे बांध दिए थे पहचान के लिए और उनको उड़ा दिया था। एनीवन हु फाउंड ए टैग बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड टू टैग टू डॉक्टर आर्कहार्ट। उसमें ये लिखा गया था कि जिस किसी को भी यह तितली मिले वह यह तितली आर्कहार्ट नाम के वैज्ञानिक तक पहुंचा दे। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लास्ट समर, यानी कि गर्मियों के अंतिम 6 सप्ताह में रीडिंग नामक स्थान पर तितलियों को इकट्ठा करने का एक खास तरह का मौसम आता था। इफ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन, यदि तुम एक के बाद दूसरी तितली को इकट्ठा करोगे तो इसका मतलब है यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी, बहुत ही कम तितलियों को इकट्ठा कर पाएंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप वाज एब्राइट वाज टू रेज ए फॉक ऑफ बटरफ्लाइज। अब एब्राइट का लक्ष्य था कि वह तितलियों के एक समूह को इकट्ठा करे। ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क, उसने एक मादा मोनार्क को पकड़ा। टेक हर एग्स, उसके अंडे लिए, एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट, वह उसको अपने बेसमेंट में ले गया। थ्रू देयर लाइफ साइकिल, फिर उसने उसके जीवन चक्र का इंतजार किया। फ्रॉम एग्स टू कैटरपिलर, एग्स से कैटरपिलर प्राप्त किए, फिर उससे प्यूपा प्राप्त किया, फिर उससे जो एडल्ट बटरफ्लाई था वो प्राप्त किया। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज, फिर उसने उन बटरफ्लाइज को टैग लगाया और टैग लगाने के बाद उनके पंखों पर 1000 ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, उसने उन तितलियों को हजारों की संख्या में वहां से भेज दिया। आगे कहते हैं एवेंचुअली आई बिगेन टू लॉस इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, आखिरकार मैं जो रुचि ले रहा था इन तितलियों में टैगिंग लगाकर वो रुचि मेरी समाप्त होती चली गई। इट इज टेडिशियस, ये उबाऊ लगने लगा, एंड देर इज नॉट मच फीडबैक, और इसकी फीडबैक भी ज्यादा नहीं मिल रही थी। एब्राइट सेड इन ऑल द टाइम आई डिड इट, एब्राइट कहते हैं
कि मैंने पूरा मन लगाकर पूरे सेमेस्टर कार्य को किया, और हंसते हुए कहते हैं ओनली टू बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, केवल दो तितलियाई मैं पुनः प्राप्त कर सका जिनको मैंने टैग लगाया था, एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लैंड, और वे तितलियां मुझे ज्यादा दूर नहीं केवल 75 मील की दूरी पर मिली उस स्थान से जहां पर मैं रहता था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट विल बी कंटिन्यू टुमारो, यू विल रीड दिस लेसन 2 or 3 टाइम्स फॉर योर स्टडी एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।